बनके सीईओ बनके एसपी बनके एसडीएम बनके डीएम बनके कमिश्नर बनके जब आना शुरू कर देगी तब महिलाओं को फिर किसी के आश्रित नहीं होना होगा। जब हमारी बहन बेटियां वर्दी पहन के रिवाल्वर लेके गाड़ी पे बैठ के निकलेगी तो महिलाओं के ऊपर अपराध करने वाला व्यक्ति भाग खड़ा होगा, वह हाथ नहीं निकाल सकता, घर में घुस जाएगा। ये कानून बनाने के लिए आपको मौका बहुत अच्छा 5 साल के अंदर आने वाला है। जब लोकसभा में 181 सांसद लोकसभा के अंदर 181 सांसद महिला चुन के जाएंगे, जब 181 खड़ा होकर के ललकारेंगी तो बताओ कानून बनेगा कि नहीं बनेगा। सरकार को मजबूर होना पड़ेगा आपके कानून बनाने के लिए, आपके हिफाजत के लिए, आपके अधिकार के लिए। लेकिन इसके पहले आपको बोलना पड़ेगा, जैसे हम माइक पर खड़े हैं, आगे कहीं भी मीटिंग हो, चौपाल लगे गांव में, बैठक हो, आप बेहिचक आप खड़ा होकर के जो भी टूटी फूटी भाषा में हो आप खड़ा होकर के बोलना सीखिए। क्योंकि चुन के आपके बीच से जो जाएगा तो सदन के अंदर वहां जब टाइम आता है विधानसभा या लोकसभा चलेगी, आप चुन के जाएंगी 5 साल के अंदर, तो आपको वहां खड़ा होकर के बोलना पड़ेगा। तो पता लगा कि यहाँ रिहर्सल नहीं है तो वहां तो नहीं बोल पाएंगे, तो रिहर्सल करना पड़ेगा। इसके लिए बेहिचक आपको छोटी छोटी मीटिंगों में आपको माइक पर बिना माइक के एक अभ्यास आप लोग करो। हम तो सोनमति जी से चाहूंगा कि जैसे आज यहाँ हमारी इतनी माताएं बहने जुटी हैं, इसी तरह छोटी छोटी मीटिंगों में भी रिहर्सल कराओ इनको, और ये मैसेज पूरे जिले में फैले कि भाई जब 35% आरक्षण लागू है तो उसके लिए हमको आपको तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो चालाक लोग हैं भैया, जो चालाक लोग हैं आपको सिखाएंगे नहीं, आपको ये बात कोई बताएगा नहीं। इस नाते कि नेता आते हैं माइक पर वोट के लिए बोल के चले गए,